हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जिस तरह से सभी लोग CUET के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, CUET PG के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उस रिजल्ट के वेट के दौरान मुझे लगता है कि आप लोगों को तब तक जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET PG के ब्रोशर में हैं उनके बारे में जान लेना चाहिए कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या आपके कम मार्क्स है तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी कि एक यूनिवर्सिटी है गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, उसका रिव्यू किया जाए। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसके पहले तक मुझे भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, परंतु जब मैंने कुछ सर्च वगैरह किया, कुछ डिटेल्स निकाली तो कुछ चीज़ें मिली, मुझे लगा आप लोगों के लिए इसका वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी है आपको लो मार्क्स पर, कम नंबरों पर भी कम फीस पर एडमिशन मिल जाएगा। यदि आपको मतलब एडमिशन लेना ही है MSc में, एनी हाउ एडमिशन लेना है, आप ये सोच रहे हैं साल ख़राब नहीं करना है, मैं एडमिशन लेके ही मैं IIT JAM की प्रिपरेशन कर लूँगा या कर लूँगी, CSIR NET की प्रिपरेशन कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये उन लोगों के लिए है ना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस यूनिवर्सिटी को। तो सबसे पहले इसकी रैंकिंग्स वगैरह की बात कर लेते हैं। तो इसकी रैंकिंग जब मैंने सर्च किया तो मेरे को देखने को मिला कि 257 रैंक है आउट ऑफ 876 इन इंडिया। उत्तराखंड के अंदर इसकी रैंकिंग है 7 और हरिद्वार के अंदर इसकी जो रैंकिंग है वो है फर्स्ट। ओवरऑल अगर इसकी रेटिंग देखी जाए तो 3.3 है। ये अलग अलग वेबसाइट से मैंने इसकी रेटिंग्स और ये रैंकिंग्स निकाली है, तो ये ठीक ठाक लगा मेरे को रैंकिंग और रेटिंग के फॉर्म में। तो कोर्सेज की बात की जाए, कौन कौन से कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है मैथमेटिक्स MSc के कोर्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और फिजिक्स, है ना, माइक्रोबायोलॉजी और फिजिक्स। माइक्रोबायोलॉजी के लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BSc बायोलॉजी, BSc इंडस्ट्रियल बायो माइक्रोबायोलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक वाले यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। फिजिक्स के लिए BSc डिग्री विद फिजिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएट लेवल, कैंडिडेट हैव स्टडीज फिजिक्स इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट BSc कोर्स। बाकी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वालों के लिए सेम क्राइटेरिया है, परसेंटेज का ऐसा यहाँ पर कोई चक्कर है नहीं, है ना, तो परसेंटेज का ऐसा कोई चक्कर देखने को मिला नहीं। फीस जो है यहाँ पर एन एम 25,000 रुपये है फिजिक्स एनवायरमेंटल साइंस की। केमिस्ट्री की जो फीस है पर एन एम वो है 30,000, सेमेस्टर नहीं है, पर एन एम की फीस है। और मैथमेटिक्स की जो फीस है वो है कितनी है, ये है 1,12,000 रुपये फीस है। मैथमेटिक्स की जो फीस है वो है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये फीस है मैथमेटिक्स की, बहुत सस्ता है मैथमेटिक्स। फिजिक्स एनवायरमेंटल साइंस 25,000 और केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी 30,000 रुपये फीस है। नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें तो फिजिक्स के अंदर 80 नंबर ऑफ सीट्स हैं, जिसमें मेल के लिए 40 और फीमेल के लिए 40 सीट्स हैं। एनवायरमेंटल साइंस के अंदर 60 नंबर ऑफ सीट्स हैं, जिसमें मेल की 30 फीमेल की 30। केमिस्ट्री के अंदर 114 सीट है, मेल की 57 फीमेल की 57। मैथ्स के अंदर 114 मेल 57 फीमेल 57। माइक्रोबायोलॉजी 114 मेल 57 फीमेल 57, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत है, बहुत सारी सीटें भरी पड़ी हैं। तो अगर आपके लो मार्क्स आ रहे हैं, अब लो मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने पे मिल जाएगा वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आगे बताऊंगा। तो नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत सारी हैं। अगर मैं हॉस्टल्स की और मैथ्स की फीस की बात कर लूँ तो ये तो हो गई आपकी कॉशन मनी, कॉशन मनी है 3,000 रुपये जो कि रिफंडेबल होती है। जो हॉस्टल फीस है वो 20,000 रुपये है जनरल EWS OBC PWD के लिए, और जो SC ST के छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हॉस्टल फीस 15,000 रुपये ईयरली, ये भी ईयरली है, है ना। और जो मैथ्स फीस है, मैथ्स फीस वो पड़ेगी 24,600 रुपये। तो मतलब फीस वगैरह के हिसाब से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए तो उनमें ये बहुत कम फीस हो जाती है, नहीं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो लाखों में एडमिशन जाते हैं हॉस्टल्स और मैथ्स में खासकर। तो यहाँ पर बहुत सस्ते में काम चल रहा है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपके अगर कम नंबर भी आ रहे हैं तो आपको अगर MSc में एडमिशन लेना ही है एनी हाउ, मतलब आपको साल ख़राब नहीं करना है, आप किसी भी तरह के ड्रॉप की नहीं सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके लो मार्क्स भी हैं तो कितने हैं उस जिसके ऊपर आपको नंबर मिल जाए। तो अगर मैं लो मार्क्स की बात करता हूँ तो अगर आप जनरल्स हैं, ये मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, कोई सी भी ब्रांच के लिए, जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, तो जनरल में अगर आपके नंबर जो है 70 नंबर से लेके 60 नंबर और भी 60 नंबर से लेके 100 नंबर तक की रेंज में है तो यहाँ पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। अगर आप OBC कैटेगरी में हैं, OBC में आपके नंबर 40 से और 40 के प्लस हैं तो आप यहाँ पर लगा दो,
अगर आप EWS में हैं तो EWS में 50 नंबर प्लस है तो आप यहाँ पर एडमिशन लगा दो। SC में एडमिशन लेना है, SC में एडमिशन 30 नंबर प्लस पे यहाँ पर एडमिशन लगा दो। ST में है तो ST में 20 नंबर प्लस 10 नंबर प्लस पर यहाँ पर एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इतने पे यहाँ पर एडमिशन आराम से मिल जाएगा और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और आपको अगर MSc में एडमिशन लेना ही है तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।